खबर सीजी न्यूज में आपका स्वागत है। जांजगीर चांपा की डबरा पुलिस ने एक्सीडेंट करने के बाद फर्जी वाहन मालिक बनकर धमकाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल 20 मार्च को सारंगढ़ क्षेत्र के दर्रा भाठा में रहने वाले लिपिक रविंद्र पटेल कार से डबरा के सारड़ी गाँव जा रहे थे। इस दौरान ट्रैक्टर ने कार को टक्कर मार दी, इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई और जब रविंद्र पटेल ने कार मरम्मत करने रुपए मांगे तो ट्रैक्टर के ड्राइवर ने रायगढ़ जिले के सकराली गांव में रहने वाले अनुपम श्रीवास को वाहन मालिक बताकर बुलाया। यहां अनुपम श्रीवास ने अपनी ऊंची पहुंच की धमकी दी और उल्टे कार मालिक रविंद्र पटेल से भया दोहन करने लगा। यहां कार मालिक रविंद्र पटेल को ही कहने लगा कि 20,000 दो नहीं दोगे तो घर नहीं लौट पाओगे, क्योंकि वह बड़ा नेता है और उसकी पुलिस भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। रिपोर्ट पर मामले में पुलिस ने जुर्म दर्ज किया था, जिसके बाद आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर योगेश्वर चंद्रा और फर्जी वाहन मालिक बनकर भया दोहन करने वाले आरोपी अनुपम श्रीवास को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसकी हेकड़ी निकाल दी। दोनों आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। घटना दिनांक 20 मार्च 2022 का है। लगभग 3:30 बजे लगभग एक प्रार्थी जो है रविंद्र पटेल, ये किरारी जा रहा था किसी पारिवारिक सदस्य के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, अपने कार से जा रहा था। उसी समय एक ट्रैक्टर जो है उसका चालक, जिसका नाम योगेश्वर प्रसाद चंद्रा है, वो तेज़ी से लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उसको ठोकर मार दिया। उससे क्षति हुआ तो वह अपने कार से उतर कर क्षति के लिए क्षतिपूर्ति राशि की मांग किया, जिस और वाहन स्वामी को बुलाने के लिए बोला। उस पर से जो ट्रैक्टर का चालक है योगेश्वर प्रसाद चंद्रा, उसने एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम बाद में पता चला कि अनुपम श्रीवास है, और उसको बुलाकर वाहन स्वामी के रूप में उसका परिचय दिया और जिस पर से उससे पैसे की मांग किया, तो वह उल्टा ही इसको धमकाने लगा अपने प्रभाव बताते हुए उस क्षेत्र में, और उल्टा उनसे जो प्रार्थी है उसे भय में डालकर पैसे की मांग करने लगा। इस पर से प्रार्थी डर गया और आकर थाना डभरा में रिपोर्ट दर्ज कराया। उस पर से थाना डभरा में FIR दर्ज कर दोनों आरोपियों, जो ट्रैक्टर का चालक था और साथ ही अनुपम श्रीवास, दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर सीजी न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यदि आप फेसबुक यूजर हैं तो तेज अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी आप हमारे